कलेक्टेड व एसपी मिले कर्नल बैदल व उनकी टीम से। गुजर आरक्षण आंदोलन की सरगर्मी बढ़ने व गुजरात के आंदोलनकारी नेता हार्दिक पटेल के ऐलान के साथ ही शासन व प्रशासन से जुड़े अधिकारी व राजनेताओं की भी बेचैन बढ़ गई है और वे कई दिनों से आरक्षण आंदोलन व गुजर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़ी पल पल की खबर व उनसे जुड़े एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। गुजर समाज के आमजन से समझाई व संपर्क बनाए रखने के साथ साथ फीडबैक लेने में भी लगे हुए हैं। गुजर आरक्षण आंदोलन व महापंचायत को तोड़ने या कमजोर करने की रणनीति सहित कई अन्य पहलुओं पर भी कार्यवाही चल रही है। बयाना क्षेत्र में मोबाइल डाटा नेटवर्क व अन्य नेटवर्क सिस्टम को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान बंद हुआ है। गुजर समाज के एक गुट की ओर से ग्राम रसोदा में आगामी 15 मई को यहां के गांव अड्डा में आयोजित गुजर महापंचायत के आयोजन से शासन व प्रशासन के लोगों की नींद हराम हो गई है। भरतपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक व जिला पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को पुनः बयाना उपकरण के गांव बंद देखा पहुंचकर वहां के डाक बंगले में गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के आयोजक कर्नल करोड़ी सिंह बेजलवा उनकी टीम के सदस्यों से आगामी 15 मई को होने वाली गुजर महापंचायत व उसके बाद की स्थिति पर चर्चा की। बंद बारहटा के इलाके में गया, कई गांवों में गया, घूमता हुआ आ रहा हूँ। लोगों में उत्साह है और हमको न्याय नहीं मिला उसके प्रति, सरकार के प्रति आक्रोश है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें आंदोलन करने का शौक नहीं है, लेकिन यदि सरकार ने समय के अनुसार समय रहते हुए हमें न्याय नहीं दिया तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे। 15 तारीख को अड्डा की जो पंचायत होगी साहब आपकी, वहाँ ये निर्णय लिया जाएगा कि स्थिति को कहाँ से आंदोलन करें। जी हाँ, वहाँ निर्णय ले लिया जाएगा कि हमें आंदोलन करना है। और यूँ कर लीजिएगा कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो अड्डा से ही आंदोलन हो सकता है। आज जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब से आपकी वार्ता हुई है, उसमें क्या उन्होंने मैसेज दिया सरकार का? यही था कि अनुशासन में रहे, ये कह रहे कि हमें हमारा हक दिलाओ। तो ये पहली पहल हुई है सर सरकार की तरफ से आज बात करने की आपसे? जी हाँ, उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने यही कहा कि आप हमें हमारा हक दिला दीजिए, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है।